Now a dance from civil engineering second year, Rajdeep Hira. Please come on the stage. From the skill representative, sir, please come on the stage on the some speech on the topic of Skill India. Namaskar, उपस्थित सभी गुणीजनों को और उपस्थित हमारे सारे teachers and faculty and non-faculty staffs and also my प्यारे students. Thank you. ये मंच जो अभी देख रहे हैं आप, ये उत्तरण बंगला का मंच. इस मंच पे वो आपको दिया है, मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी दिया है आपको फेस करने के लिए. तो इस मंच को पहले तो मैं नमन जनाना चाहूँगा. तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि दो पल सबको एक बार खड़े हो जाओ. शायद इसको नमन नहीं किया है हमने, तो इसको नमन करते हैं हम लोग. पहले इस मंच को नमन करते हैं, उत्तरण बंगला का इस स्टेज को नमन करते हैं. थैंक यू वेरी मच. ये हमें लग रहा है कि ये मिल गया है, मतलब कोई चीज़ हमें मिल जाता है ना आसानी से. अगर कोई चीज़ मिल जाता है तो उसकी कदर नहीं होती है.
आप स्टूडेंट्स जीएसएम पॉलिटेक्निक के या फिर एनएस पॉलिटेक्निक के कहीं के भी हो, यहाँ के हमारे जो है, तो इन्हें क्या हुआ ना, ये मंच मिल चुका है, आसानी से मिल चुका है ये उत्तरण बंगला का मंच। पर ये बहुत से कॉलेज है जिसको ये नहीं मिला है, पर ये हमारे लिए काफ़ी गुरुत्वपूर्ण यानी मायने रखते हैं कि हम इससे और कुछ परफॉर्म करें और इस स्टेज का फ़ायदा लेते हुए इस स्टेज से हम कुछ आगे बढ़े। ये काफ़ी आगे बढ़ने का आपको मौका देगा, ठीक है। तो मेरा कहना यहाँ पे है कि स्किल के बारे में कुछ कहना है। आप लोग जानते ही हैं अभी हर जगह पे कुछ ना कुछ स्किल का प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो हमारे कॉलेज जीएसएम पॉलिटेक्निक गोविंदपुर शेफाली मेमोरियल पॉलिटेक्निक गोविंदपुर शेफाली समाज सेवा समिति के अंडर में आते हैं। इसमें भी कुछ कोर्सेस हो रहे हैं, इसमें एक PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PBSSD पश्चिम बंगो स्किल डेवलपमेंट, सेक्टर स्किल काउंसिल और काफ़ी आ रहे हैं, वो भी आएंगे, DDU GKY, ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो ये क्या प्रोजेक्ट आएंगे, क्या है इसके बारे में, इसके बारे में मुझे नहीं कहना है, क्योंकि इसके बारे में आप विस्तारित जानना चाहते हैं तो आपके हाथ में अभी भी फ़ोन है, उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप तो है ही, क्योंकि वो भी एक सोशल मीडियाज है, बनाया गया है तो कुछ ना कुछ उसको यूज़ करने के लिए ही बनाया गया है, उसे ज़रूर यूज़ कीजिए। पर उसके साथ साथ आप कभी टाइम हुआ आप में आप हम लोग तो अभी बहुत व्यस्त हो जाते हैं ना, फेसबुक व्हाट्सएप में तो ज़्यादातर व्यस्त रहते हैं, तो इसे छोड़ के कभी हो सके तो SSC सेक्टर स्किल काउंसिल PMKVY ये खोल के हम देख लेंगे, तो गूगल में हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगे नेट में सर्च करते हुए। जो मुझे कहना है कि स्किल ट्रेनिंग क्यों करें, 3 साल का डिप्लोमा हमें करना है, 4 साल की BTech करना है, किसी को ग्रेजुएशन करना है, हमने भी किया है, आपके सर ने भी किया है, आप भी कर रहे हैं, पर हम स्किल ट्रेनिंग करें क्यों, इसमें क्या फ़ायदा है हमें, 3 महीने में ऐसा क्या सिखा देगा मुझे जो एक डिप्लोमा नहीं सिखा सकता, एक BTech नहीं सिखा सकता, एक ग्रेजुएशन नहीं सिखा सकता है, या फिर कोई अदर्स कोर्सेस नहीं सिखा सकता है, या 3 महीना 6 महीना 1 साल में क्या ऐसा सिखाएगा मुझे। ये आपको उस हुनर जो आपके अंदर है, हर किसी के अंदर एक हुनर होता है, उसे पहचानना है और उस हुनर को जस्ट फाइलिंग करना है, मतलब घिसना है, उस घिसने के बाद जो निकल के आएगा वही स्किल ट्रेनिंग कहलाएगा। जब घिस रहा है ये ना, जब घिस रहा आपको साफ कर रहा है, तो उसी टाइम आपको स्किल ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसकी एक स्कोप हमें सरकार दे रही है। तो क्या है ना, अभी पढ़ना तो है ही, पढ़ने के साथ साथ कुछ भी करो, क्योंकि क्या है ना, टाइम जो है, टाइम तो अभी हम लोगों के पास बहुत कुछ है, जब भी हमें टाइम मिल जाता है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं ना, टाइम को टाइम पास के हिसाब से लेते हैं, टाइम पास। और इंडिया में तो टाइम पास करने के लिए बड़े जगह हैं, बड़े पड़े हुए हैं, टाइम पास करना है हमें, ठीक है। अब ये मान लो कि हमारे पास टाइम है, हम चाहते हैं कि हमें कुछ करना है, हमारे अंदर से आ रहा है, पर क्या है ना, डिमोटिवेट बहुत करने का आदमी होता है, मोटिवेट करने वाले आदमी तो आपको 10% भी नहीं मिलेंगे। चल भाई मेरे साथ अभी खेलने चल, क्या ये बुक खोल के पढ़ रहा है ना, फिर अरे चल ना क्या, या सारा दिन बुक खोल के पढ़ा रहता है या बैठ के रहता है, चल फिल्म देख के आते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप फिल्म मत देखने जाओ, आप खेलने मत जाओ, आप कोई दूसरा काम मत करो, गलत सलत काम मत करो, मैं कह रहा हूँ कि उस चीज़ को भी आप करो तो सीखने के लिए करो। जिस टाइम आप फिल्म देखने जा रहे हो, हमने ऐसे बहुत से मोटिवेट फिल्म भी देखे हैं, हमने बहुत कुछ देखे हैं जिसमें क्या हमें सीखने को कुछ मिलता है। यहाँ पे आप लोग ये बैठे हुए हो, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना देर तक आप लोग सहन कर रहे हो हमें, ऐसा फेस से आपका पता चल रहा है, आपका फेस से ऐसा लग रहा है कि हम आप सहन कर रहे हो, हमें सच में सहन कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे हो, हम चाहते हैं कि आप यहाँ आके परफॉर्म करो, क्योंकि नीचे बैठ के ऊपर वाले के ऊपर टोकना हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या कह रहा है ये, बेकार में फिजूल में कह जा रहा है यार, हमें तो सुनना है, 2 कान दिया है, 1 कान से घुसाएंगे और 1 कान से निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, मेरा क्या चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आके आप परफॉर्म करो, आपको ये स्टेज इस परफॉर्म करने के लिए जगह दे रही है आपको,
ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और स्किल ट्रेनिंग के बारे में जानना है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव स्किल के सारे सेक्टर, स्किल काउंसिल हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का हो, या फिर PBSSD का हो, या फिर DDU GKY का हो, कोई भी हो, तो हमारे सारे टीचर्स इसके बारे में पहले से अवेलेबल आपके पास है ही, या फिर हम लोग हैं, आप हमारे पास आओ। हम चाहते हैं कि हमेशा आप लोग आओ, ऑलवेज वेलकम, आप लोग आते रहो। हम चाहते हैं कि आपको समझना है, आपको जानना है, और जान के आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि ये टाइम आप अगर इस टाइम को अगर आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो और इस टाइम को आप छोड़ दोगे तो बाद में जाके आपको पता चलेगा कि मैंने ये क्यों किया। ये आपके मम्मी पापा भी बोलते होंगे, या फिर टीचर्स भी बोलते हैं, अरे क्या ये, सब बोलते हैं ऐसे ही, बोलना लगा रहता है तो बोलते हैं क्या हो जाएगा, ये मतलब रिवाज चल रहा है ये बोलने का। ये नहीं, जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे एज में आओगे, या फिर आप जब इस डिप्लोमा को या ग्रेजुएशन को या फिर अपना कोर्स को कर लोगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मतलब ये तो हो गया, जब सर बोले तो हो ही गया, आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब मान लो जिसके पास, आपके पास ये डिप्लोमा कर रहे हो, तो आपको डिप्लोमा आपने किया, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने बीटेक किया, पर जो आदमी नहीं कर सकता ना, वो तरफ रहा है ये कोर्स करने के लिए, पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है फिर भी आप नहीं कर रहे हो। इस स्किल ट्रेनिंग में अब क्या है, मैं जो कह रहा था कि स्किल ट्रेनिंग में है क्या ऐसा, 3 महीने में मुझे क्या ऐसा सिखा देगा, इसमें सिखाएगा प्रैक्टिकली सब कुछ जो सिखाना है। आपके अंदर की जो हुनर है, जैसे आप लोग यहाँ से HS पढ़ते हो, कोई मैट्रिक करके आते हो, कोई भी कुछ भी पढ़ के आते हो, इसके बाद उसको मतलब ये मैकेनिकल क्या है, ये सिविल क्या है, ये इलेक्ट्रिकल क्या है, ये TC क्या है, ये CST क्या है, ये ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स क्या है, ये मेरे हिसाब से लगता है 2% आदमी जान के भर्ती होते हैं कि मुझे पता है कि ये कोर्स क्या है, उसके बाद हम इसमें एडमिशन लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, आपको, आप मान लो कि मैं किसी ट्रेड को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हर ट्रेड बनाया गया है आपके यूटिलाइज के लिए ही, सोच समझ के किसी ने बनाया है, ठीक है। तो क्या है ना, हमने सिविल ले लिया या फिर मैकेनिकल ले लिया या इलेक्ट्रिकल ले लिया, पर मेरे दिमाग में क्या है ना, हमेशा मुझे जानने का इच्छा है कि ये फैन कैसे बनता है, ये वायरिंग क्यों जाती है, ये इलेक्ट्रिक करंट आता कहाँ से है, ये मशीन चलती क्यों है, इसमें गियर का फंक्शन क्या है, अगर गियर लग जाए तो फिर गाड़ी चलती क्यों है। तो इस ट्रेनिंग को आप जानने का आपको मौका मिल रहा है, इससे आपका एक्स्ट्रा करिकुलम बढ़ रहा है। प्रैक्टिस 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 देन डू, आप अपना काम कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका बुलंद, यहाँ पे आके आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जितना भी आ रहा है ना, ये प्रैक्टिस ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये मौका दे रहा है आपको ये प्रैक्टिस करने का। एक दिन यही मंच आपको कुछ ऐसा नजर आएगा जिस टाइम पे आप सिर्फ बैठे रहोगे यहाँ पर, उस टाइम पे आपने कुछ किया नहीं था इस टाइम पे, तो उस टाइम पे आप करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सोचोगे कि उस टाइम पे मैंने हाँ क्यों नहीं बोला था कि मुझे भी करने आता है, हमें भी कुछ बोलना है। तो इसको आप समझो, हम हैं, टीचर्स हैं, और भी आपके माता पिता हैं, उनसे शेयर करो कि हमें स्किल ट्रेनिंग्स मिल रहे हैं तो हम करना है। तुम्हारा जाता क्या है, तुम्हें तो ऐसे भी कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, या फिर खाली बैठना है ना। और खाली बैठोगे तो खाली, बोलता ना, खाली दिमाग हो जाता है शैतान का घर। तो मैंने इतना बहुत कुछ कह दिया, अभी तक पता नहीं कि खून कितना खौला है आपका, खून कितना खौला है आपको पता नहीं, पर ये खून जिसका भी अभी तक नहीं खौला है, वो खून तो खून नहीं, बस पानी है। चलो कोई नहीं, शुभ रात्रि। और भी बोलने के लिए हमारे पास भी समय है, आपके पास तो सुनने के लिए बहुत ज़्यादा समय है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। পৃথিবীর যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, তার অর্ধেক করিয়াছে নারী আর অর্ধেক করিয়াছে নর। কিন্তু এই অর্ধেক স্রষ্টা অর্ধেক কল্যাণকারিণীর বর্তমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবস্থা একবার দেখে নেওয়া যাক। 2011 সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি 1000 জন পুরুষ পিছু 943 মহিলা, কিন্তু কেনই পার্থক্য? তার অন্যতম কারণ কন্যা ভ্রূণ হত্যা। আমরা যুগে যুগে যখনই বিপদে পড়েছি তখনই নারী শক্তিকে আহ্বান জানিয়েছি, কখনো দুর্গা কখনো কালী রূপে পূজা করেছি।
তবুও দেখা যায় কন্যা সন্তান প্রসবের জন্য মাকে পরিবার থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়, মাকে সহস্র যন্ত্রণা সহ্য করেও অবশেষে মেয়েকে হত্যা করতে হয়। এটা খুবই দুঃখের, যন্ত্রণার ও চিন্তার বিষয়। এটা অনেকটা কালিদাসের ডাল কাটার মতো। আমাদের সমাজের শক্তি নিহিত আছে তার দুর্বল অংশের মধ্যে, তাই যতদিন না আমরা নারী শক্তিকে বুঝতে পারবো ততদিন আমাদের সমাজের প্রগতি সম্ভব নয়। তাই সেভ দ্য গার্ল চাইল্ড বার্তা নিয়ে আপনাদের সামনে মঞ্চে উপস্থিত হচ্ছেন অর্পিতা, পৌশালী, প্রিয়ান্তি, ব্রত, চন্দ্রিমা এন্ড দেয়ার গ্রুপ। প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ। বন ঘর কো মহকাতী হ্যাঁ বেটিয়া, হসি ঠিটোলি কর সবকা মন বহলাতি হ্যাঁ বেটিয়া, পায়ল কি রুঞ্জুন সে গুনগুনাতি হ্যাঁ বেটিয়া, পানি সে নির্মল স্বচ্ছ নজর আতি হ্যাঁ বেটিয়া, ক্যুঁ দেখতে হ্যাঁ দোয়ম নিগাহো সে ইনহে জমানে ওয়ালে, কিসি ভি মকান কো ঘর বনাতি হ্যাঁ বেটিয়া। বেটিয়া হর ঘর কা সম্মান গর্ব হোতি হ্যাঁ, ক্যা নহি সুনাই দেতি তুমে উস অজন্মি বেটি কি আওয়াজ, জো করা রহি তুমারে হি অন্দর বার বার, মত ছিনো উসকে জিনে কা অধিকার, আনে দো উসকো ভি জগ মে লেনে দো আকার। আরে সুখদেব, তোমারে ঘর মে লক্ষ্মী পেদা হুই হ্যায়। লক্ষ্মী? ক্যা क्या कहा डॉक्टर साहब, लड़की पैदा हुई? मैंने तो सोचा था डॉक्टर साहब कि लड़का पैदा होगा और मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा, अब 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 मैं क्या करूं? लाओ डॉक्टर साहब, ये लड़की मुझे दे दो। आसपास कोई है तो नहीं? चलो इस लड़की को यहीं फेंक देते। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न सखीना सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली, हाँ बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर, किसके लिए दुनिया में पैदा होती है, लड़के की
पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। दोनों की दिलकारियाँ दोनों का बचपन, चंदा मामा से कहता है आजा मेरे आंगन। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करते मन मानिया दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं, दुल्हन के जैसे माता जल ओढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है की जवानी बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है, लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंतर फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बहू मुझे लड़का ही चाहिए। किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए। ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे।
चिरैया। I will call from the civil department, इकबाल शेख। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। I'm not afraid to die.
আমি একটু জাস্ট কথা বলতে চাইছি যে জাস্ট লাস্ট যে পারফরমেন্সটা হয়েছিল আমাদের গোবিন্দপুর শেফালি মেমোরিয়াল পলিটেকনিকের ছাত্রীরা যে সোশ্যাল মেসেজটা দিতে চাইলো, তার জন্য আমি কলেজের হয়েই আমি তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ দিতে চাই। একটা যে খুব প্রাসঙ্গিক যে মেসেজটা দিতে চাইলো সেটা আমাদের সবার স্মরণীয় হয়ে থাকবে, এবং যখন আমরা ওখানে বসেছিলাম কিছুতেই নিজেদের আবেগটাকে ধরে রাখতে পারছিলাম না, গায়ে কাটা দিয়ে উঠছিল, এবং অনেকেরই বোধহয় হয়েছে। এটার জন্য একবার সবাই যদি হাততালি দিয়ে আমরা তাকে ইয়ে করি খুব মনে হয় ইয়ে হবে না। তো যাই হোক, একটা ছোট কথা বলতে চাই, সেটা হলো যে আমাদের কলেজের গোবিন্দপুর শেফালি মেমোরিয়াল পলিটেকনিকের ট্যাগ লাইন টেকনোলজি ফর লাইফ। আমি শুভঙ্কর স্যারের সাথে কথা বলছিলাম, শুভঙ্কর স্যার আমি একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম যে উনি লাস্ট যে অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছেন সেটা আমাদের আমাদের ইউনিভার্সিটির সেভেন্থ কনভোকেশন হয়েছিল 9th November, সেখানে আমাদের অনারেবল গভর্নর কে শ্রীনাথ ত্রিপাঠী স্যারের কাছ থেকে আমাদের শুভঙ্কর স্যার ব্রোঞ্জ মেডেল পায়। এবং সেদিন সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টর স্যার, এবং তিনি একটা খুব সোশ্যাল মেসেজ আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের দিতে চেয়েছেন। সেই সোশ্যাল মেসেজটা দিয়েই আমি জাস্ট এটা শেষ করব। তিনি বলেছেন যে আমাদের যে প্রযুক্তিকে, সেই প্রযুক্তিকে কখনো শুধুমাত্র নিজের কর্মস্থানের জন্য কিন্তু ব্যবহার করো না, কর্মস্থানের জন্য শুধু না ব্যবহার করে সেটাকে সামগ্রিক সমাজের যাতে আরও ইম্প্রুভমেন্ট হয় সেটার জন্য চেষ্টা করো। তার জন্য আমার মনে হয় ওই ধারণার সাথে সাথে আমাদের কলেজের যে ট্যাগ লাইন টেকনোলজি ফর লাইফ এটা খুব প্রাসঙ্গিক। তো সবাই মিলে এই জিনিসটার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে শুধুমাত্র আমাদের প্রযুক্তিকে শুধু কর্মসংস্থানের জন্য ব্যবহার না করেও আমরা সামগ্রিক সমাজের জন্য, তার ইম্প্রুভমেন্টের জন্য কাজ শুরু করি। এটাই আমাদের যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি বা যারা এখন তোমরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছো তাদের এটাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এই কথাতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত। তো একটা হিন্দিতে একটা শায়েরি, একজন হিন্দিতিক নয়, এটা উর্দুতেই বোধ হয়, আমি আনপ্রিপেয়ার সেই জন্যই বলছি। এই সবার উদ্বুদ্ধের জন্য, মানে যে সোশ্যাল মেসেজটা দিতে চাইলো এবং টোটাল আমাদের প্রযুক্তিগত জায়গা থেকে একটা সোশ্যাল মেসেজ সবাইকে এবং নিজেদেরকে আরও এনার্জাইজ করার জন্য একটা উর্দুর একটা শায়েরি আমি জাস্ট বলতে চাই যে কন কেহতা কি আসমান মে ছেদ নেহি হোতা, কন কেহতা কি আসমান মে ছেদ নেহি হোতা, আপকে হাতো কে পাথর উপর জোর সে ছুরকে তো দেখো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। নাও আই উইল লাইক টু কল আওয়ার হনারেবল অ্যান্ড রেসপেক্টেড মলয়পীর স্যার, প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ। খুব ভালো লাগলো, এবং ভালো লাগছে এই ভেবে যে আমার ছেলে মেয়েরা এবং টিচাররা আমার অনুভূতি কিছুটা বুঝতে পেরেছে, এবং আমি আশা রাখছি হলে যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা আছে বা টিচার আছেন একটা অন্য অনুভূতি ওনারা পেয়েছেন। আমি আমার ছেলেদের কাছে আবেদন করব, বিশেষত গুসকরা বা সারাউন্ডিং যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা আসেনি বা আসতে পারেনি, টিচারদের নিয়ে, ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ টিচারদের নিয়ে একটা সার্ভে করা যে সেই সমস্ত ছেলেমেয়ে আসতে পারলো না কেন, কোনো কাজ থাকতে পারে, অবশ্যই থাকতে পারে, অথবা কী আর হবে যে এ মানসিকতাও থাকতে পারে, কারণ আজকের যুব সম্প্রদায়ের মেন দুর্বলতা হচ্ছে
আবার ওখানে যাবি? বেশ আছি, চল দুজনে গল্প করছি বা একটু শুয়ে আছি বা একটু বসে থাকবো, মানে কারণ খুব একটা নাই, সবে দিয়ে একটা অনীহা। আবার শেখার কী আছে, শোনার কী আছে, গাইবারই বা কী আছে, বাজাবার কিছু অনেক দেখেছি, এরকম একটা ভাব আমার ছেলে মেয়েদের আছে, কাটাতে হবে যৌথ ভাবে। তোমরা বন্ধু বান্ধবী তাদের বোঝাও, কাউন্সিলিং করো, টিচারদের সাহায্য নাও। আমি গর্ব করে বলতে পারি আমরা যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলো চালাই ওয়েস্ট বেঙ্গল করো, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে তার থেকে আমরা ভিন্ন বা অনন্য, এবং আগামী দিনে আমরা প্রমাণ করে দেব ইঞ্জিনিয়ারিং ছেলের সম্বন্ধে মার্কেটে যে ধ্যান ধারণা সেটা একেবারে ভুল। এরাই সমাজ গড়ার কারিগর, এদের দ্বারাই সমাজটা গঠিত হবে, এদের কাজে লাগাও, এই আহ্বান করি। এবং আর একবার ধন্যবাদ দিই আমার টিচার, এবং ধন্যবাদ দেবো না, আশীর্বাদ করি আমার পুত্র সম ছাত্র ছাত্রীদের, এগিয়ে চলো, উই শ্যাল ওভারকাম, আমরা জিতবই জিতব, এই বলে সকলকে আন্তরিক ভালোবাসা টিচারদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি। নমস্কার।